आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय को मिली मंजूरी, 4 अरब से अधिक का बजट हुआ पास। क्या अब समाप्त हो जाएगा आंगनवाड़ी बहनों का महा आंदोलन? नमस्कार, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय को मिली मंजूरी के संबंध में एक लेटर दिखाते हैं। यह लेटर आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय के लिए जारी बजट के संबंध में है। तो आइए देखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय को लेकर कितने का बजट स्वीकृत किया गया है, पास किया गया है, और लेटर में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या अब आंगनवाड़ी बहनों का महा आंदोलन समाप्त हो जाएगा या फिर सिर्फ अफवाह ही उड़ाई जा रही है। वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा। आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के लिए जारी बजट के संबंध में यह महत्वपूर्ण सरकारी आदेश देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके प्रेषक हैं महावीर प्रसाद गौतम, जो कि संयुक्त सचिव हैं, और सेवा में निदेशक महोदय को यह लेटर लिखा गया है। 24 अक्टूबर 2023 को यह लेटर या शासनादेश जारी किया गया है। यहाँ पर इसका विषय लिखा गया है, विषय में महत्वपूर्ण बातें जो आंगनवाड़ी बहनों के लिए यहाँ पर हैं कि देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07 मानदेय में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष में द्वितीय छमाही हेत 40,187 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में है। आइए लेटर को और भी ज़्यादा आगे विस्तार से पढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा गया है, उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद बताया गया है कि दिनांक 5 सितंबर 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को मानदेय योजना में प्रावधानित धनराशि के लिए 80,375 लाख के सापेक्ष में शासनादेश संख्या वगैरह यहाँ पर फिर से बताया गया। उसके बाद बताया गया है कि दिनांक 11/10/2023 के द्वारा बताया गया है कि प्रथम छमाही के लिए 40,187 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि उसके क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि लेखा से संख्या वगैरह यहाँ पर बताई गई। उसके बाद बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07 मानदेय के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि 80,375 लाख के सापेक्ष में योजना के अंतर्गत द्वितीय छमाही हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत धनराशि जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 40,187 लाख रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 4,01,87,70,000 रुपए की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद बताया गया है कि धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की गई है, यानी कि इसके लिए कुछ शर्तें भी दी गई हैं, आगे उसको आपको बताते हैं। पहले इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि हर साल के लिए जो है वो प्रावधान किया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की धनराशि मानदेय के संबंध में निर्गत की जाएगी। उसके लिए बताया गया था कि 80,375 लाख के सापेक्ष में अब ये प्रथम छमाही के लिए 40,187 लाख रुपए भेज दिए गए थे, और उसके बाद अब बताया गया है कि फिर से 40,187 लाख, यानी कि इसको अगर हिंदी में समझें तो ये बताया गया है कि 4,01,87,70,000 रुपए की धनराशि जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि द्वितीय छमाही के लिए ये धनराशि दी गई है आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए, उनके अतिरिक्त मानदेय के लिए। उसके बाद इस धनराशि की निकासी के संबंध में राज्यपाल जी के द्वारा नियम और शर्तें भी तय की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर पर लिखा गया है कि नियम और शर्तें। बताया गया है कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार और नियमानुसार ही किया जाए, यानी कि जितने की आवश्यकता होगी और जो नियम है उसी के अनुसार ही पैसे जो हैं वो निकाले जाएंगे, यानी कि जितनी धनराशि भेज दी गई है उतनी धनराशि पूरी एक साथ नहीं निकाली जाएगी। आपको बता दें कि ये पैसे 6 महीने के मानदेय के लिए हैं। जी हाँ, आने वाले 6 महीनों में आंगनवाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जाएगा, जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, PLI का पैसा दिया जाएगा, उन सभी के लिए ये धनराशि स्वीकृत की गई है और आने वाले 6 महीनों में अब आंगनवाड़ी बहनों को ये पैसे दिए जाएंगे। उसके आगे कुछ और भी नियम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें भी वही सारी बातें बताई गई हैं कि जो स्वीकृत धनराशि है उसका व्यय जो है वो केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि उक्त स्वीकृति जिस कार्य के लिए की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद में किया जाएगा। इसी प्रकार के तमाम यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके हिसाब से ही ये पैसे जो हैं वो निकाले जाएंगे।
यानी कि खुशी की बात यह है कि अब आंगनवाड़ी बहनों को अगले 6 महीने तक समय पर मानदेय मिल जाएगा, क्योंकि बजट जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है। तो आने वाले 6 महीनों के लिए आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के लिए जो है वो बजट पास कर दिया गया है। एक बड़ा सवाल है कि क्या समाप्त हो जाएगा आंगनवाड़ी बहनों का महा आंदोलन या ये सिर्फ अफवाह है। आइए हड़ताल की अगुवाई करने वाले संघ की तरफ से निर्गत इस सूचना के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कुमार बिंदेश्वर जी के द्वारा प्रेषित की गई है। आइए इसको देखते हैं। लिखा गया है कि सावधान सावधान सावधान, सफेद झूठ बोलने वालों से सावधान, दुष्प्रचार करने वालों से सावधान, आंगनवाड़ी के गद्दारों से सावधान। आगे बताया गया है कि हड़ताल में भाग लेने वाली सेविकाओं, सहायिकाओं, उनके परिवार के सदस्यों, अभिभावकगण और समर्थकों, हमदर्दों, आप सभी लोगों से मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आखिरी समय आ गया है असली चेहरा पहचानने का। आगे बताया गया है कि क्या संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की ओर से हड़ताल खत्म करने की आज की तिथि में कोई पत्र जारी किया गया है या फिर कोई वक्तव्य या फिर किसी तरह की कोई घोषणा की गई है? अगर नहीं तो फिर सभी अफवाहें दुष्प्रचार क्यों किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल समाप्त की जा रही है। तो उसके संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। आइए आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर और भी आगे बताई गई हैं। बताया गया है कि अतएव आपके सफल हड़ताल पर यह अप्रत्यक्ष रूप से हमला है। आप लोगों को किसी भी कीमत पर विचलित नहीं होना है। इस तरह का दुष्प्रचार 2015 के हड़ताल के समय भी सरकारी दलालों उनके चमचों के द्वारा किया गया है। कुमार बिंदेश्वर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, पर झुक नहीं सकता है, न बिक सकता है। अभी तक 40 साल के सामाजिक जीवन में कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुमार बिंदेश्वर सिंह को खरीद सके। हाँ, कुछ लोग आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाओं के पति बनकर नकली और फर्जी संगठन बनाकर आंगनवाड़ी का हितैषी होने का नाटक करके जरूर सेविका सहायिकाओं को गुमराह करके भरमाकर लूट खसोट करना चाहते हैं। आगे बताया गया है कि कुमार बिंदेश्वर सिंह आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के हक अधिकार के लिए बस केवल 30-32 वर्षों से सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है। आगे बताया गया है कि जब तक संघर्ष किया जाता है तब तक कुछ न कुछ सेविका सहायिकाओं को जरूर हासिल होता है और इस बार भी जरूर हासिल होगा। बताया गया है कि अतएव भ्रमित होकर हड़ताल को समाप्त कदापि नहीं करना है। हड़ताल जारी है और जारी रहेगी। आप लोग आगे के हड़ताल अवधि के कार्यक्रम की पूरी तैयारी में जुट जाएं। आगे बताया गया है कि 3 और 4 नवंबर 2023 को राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि 7 से लेकर 10 नवंबर तक चार दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से घेरा डालो, डेरा डालो, महापड़ाव कार्यक्रम को सफल बनाना है। लाखों लाखों की संख्या में बिहार विधानसभा के समक्ष महापड़ाव कार्यक्रम को सफल बनाने पटना पहुंचे। इस संघर्ष में हम चारों घटकों के लोग चट्टानी एकता बनाए हुए हैं और 2,28,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं और उनके परिवार के लोगों के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। 29 सितंबर 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल में तमाम सरकारी धमकियों के बावजूद भी लाल किला के समान आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं खड़ी हुई हैं। यहां पर गहन रूप से चिंतन और मनन विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर कुछ लोग सरकार से लड़ने के बजाय कुमार बिंदेश्वर सिंह से लड़ने में अपना संपूर्ण शक्ति क्यों लगा रहे हैं? यह क्या सब आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? अगर यही ताकत सरकार से लड़ने, संघर्ष करने, आंदोलन करने में लगाया जाए तो सरकार जल्द ही झुककर आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा कर सकती है। लेकिन ये लोग अपनी पूरी ताकत आंदोलन को कमजोर करने, कुमार बिंदेश्वर सिंह को गाली गलौज कर महारत हासिल करने और सरकार और सरकारी मुलाजमों की तलवा चाटने में लगाए हुए हैं। यही समय है कि असली नकली संगठनों का पहचान किया जाए। अब आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं उनके परिवार वाले गणमान्य लोग इतने बेवकूफ़ और नासमझ नहीं रह गए हैं कि उनको भरमा कर गुमराह करके अपना उल्लू सीधा किया जा सके। बताया गया है कि हमें आशा ही नहीं वरन पूर्व विश्वास भी है कि अब झांसे में नहीं आएंगी आंगनवाड़ी बहनें। ऐसे लोगों को करारा और मुंहतोड़ जवाब भी आंगनवाड़ी बहनें देंगी। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्रांतिकारी सविवादन के साथ
आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह। यानी कि आंगनवाड़ी जो आंदोलन चल रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, उसको अभी भी जारी रखने के लिए यहाँ पर सूचना दी जा रही है। तमाम अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी संगठन के द्वारा आंगनवाड़ी आंदोलन को समाप्त किया जा रहा है, तो उसका खंडन करने के लिए यह सूचना प्रेषित की गई है कि बिहार में आंगनवाड़ी बहनों की हड़ताल अभी भी जारी है। इसके आगे की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। 3 और 4 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 7 से लेकर 10 नवंबर तक विधानसभा पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम भी किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।